सीएम शिवराज और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। शिवराज ने कमलनाथ से सवाल किया था कि 15 महीने की सरकार में उन्होंने जनता से किए वादे पूरे क्यों नहीं किए। इस पर कमलनाथ ने जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कोई सवाल पूछता है क्या। जिसके बाद शिवराज ने एक बार फिर कमलनाथ से सवाल करते हुए कहा कि उन्होंने वचन पत्र में वादा किया था कि दूध उत्पादक कृषकों को दूध संघ के माध्यम से 5 रुपए बोनस देंगे, लेकिन कृषकों को कोई भी बोनस नहीं मिला है। चुनाव आते ही नेताओं का एक दूसरे पर तंज कसना तेज हो जाता है। शिवराज सिंह चौहान अब कमलनाथ पर जमकर वार कर रहे हैं। पहले शिवराज ने कमलनाथ से पूछा था कि 2018 के वचन पत्र में जो वादे किए थे उनमें से एक भी वादा पूरा क्यों नहीं किया, ना ही गेहूं चना सरसों पर बोनस दिया। अब सीएम ने कमलनाथ से दूसरा सवाल किया है कि आपने 2018 के वचन पत्र में कहा था कि दूध उत्पादक कृषकों को दुग्ध संघ के माध्यम से प्रति लीटर 5 रुपए बोनस देंगे, आपने कृषकों को 1 रुपए भी बोनस नहीं दिया, 1.25 साल में आपने ढेला भी नहीं दिया, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। कमलनाथ ने भी शिवराज के तंज का जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अपना रिकॉर्ड दें, सवाल पूछना मुख्यमंत्री का काम नहीं है। कल हमने कमलनाथ जी से सवाल पूछा तो वो बौखला गए, अब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कोई सवाल पूछता है क्या? तुम जनता को भ्रमित करते रहो, झूठ बोलते रहो और हम तुमसे पूछे भी नहीं। कमलनाथ जी, तूने इधर उधर की बात कर ये बता के काफिला क्यों लुटा? तुम ये बताओ वादे पूरे क्यों नहीं किए? मैं फिर कह रहा हूँ, कल मैंने पूछा था, कांग्रेस ने 2018 में किसानों को वचन दिया था गेहूं चना से लेके सरसों से लेके सब फसलों पर बोनस देंगे, ढेला नहीं दिया ढेला, और अब फिर भरवाने निकले? जवाब देना पड़ेगा, पहले दिए वादे पूरे क्यों नहीं किए? बोनस नहीं दिया उसका जवाब दो, और आज दूसरा सवाल फिर पूछ रहा हूं, हम पूछेंगे। कमलनाथ जी, आपने कहा था 2018 के वचन पत्र में कि दूध उत्पादक कृषकों को दुग्ध संघ के माध्यम से प्रति लीटर 5 रुपया बोनस देंगे, ढेला दिया क्या 1.25 साल में? जवाब देना पड़ेगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।